इंसान बनी है, आप अधिकारी हैं, सिर्फ मुकदमे करने की बात करते हैं। महोदय, काम करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप अधिकारी बने हैं, मुकदमा करने के लिए नहीं। कितने मुकदमा करेंगे आप? आपको भी मुकदमा झेलना पड़ेगा। आप जब घर जाएंगे वहां से तारीख आपको झेलनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं डीएन स्किल लाइव। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इस सुलीस का सच, जो आप देख रहे हैं एक पुल कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये एक प्रकार का साइफन है जो दूसरे साइड से पानी को बांध के बीच से दूसरे साइड जाने में मदद करता है। यानी कि एक ऐसा निर्माण इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है जो कि दो पार के पानी को या बहाव को रोकने में मदद करता है। ये बांध के ऊपर अक्सर बना रहता है, जो जिस पार यदि गंगा का बहाव हो और दूसरे पार जलस्तर, बाढ़ का जलस्तर या जो बरसात का जलस्तर है उसको नियंत्रण करने में काम आता है। ये चचियाई है, लखमिनिया के पास का ये सुलिस है। इस सुलिस का सच ये है, इस सुलिस के बगैर लगभग 20 से 25 गांव अपने खेतों को समर्पित कर देते थे बाढ़ के अंदर। माता गंगा जो दियारा क्षेत्र है उनका पैर पखार करके चली जाती थी और जो करारी के लोग हैं उनका हजारों हेक्टर जमीन पानी में डूबा हुआ रहता था। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात नहीं है, लगभग 86-87 की बात है, जब स्मरण शक्ति की बात है और मैं देखने आया था। हम जब 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ते थे और इसको काटने के लिए हजारों की भीड़, जो गांव के किसान हैं वो लगे रहते थे और यहां पर सीआरपी आपकी बटालियन बैठी हुई रहती थी कि यहां पर बांध काटने नहीं देना है। बांध कटा, सुलिस बना, लोगों में एक उत्साह भर गया। लेकिन अब इस सुलिस का सच्चाई मैं दिखाऊंगा अनवरत आपको कि ये सुलिस मात्र एक नाम भर का रह गया है, दिखावा रह गया है, जो सिर्फ हाथी का दास साबित हो रहा है। देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सुलिस के रख रखाव में कोई कमी है। जो वार्षिक मेंटेनेंस है वो पूरा लगभग होता रहा है। आप देख रहे हैं इस नट में बराबर ग्रीसिंग है, वो सारे काम पूरी मार्ग है जो कि आपको यहाँ से लखमिनिया के तराई से निकलते हुए तिरहुत रोड के बगल से बहते हुए और बाजार के बिल्कुल बगल से होते हुए आपको सदानंदपुर सुलिसगढ़ तक ले जाएगा, जो कि शहीद चौक से मात्र 100 मीटर पर। यूँ कहें कि जो गुप्ता बांध है, बेगूसराय का ऐतिहासिक गुप्ता बांध, उस गुप्ता बांध में वो सुलिस गेट बना हुआ है और जिस गेट से पानी का बहाव देखने के लिए लोग यूं कहें कि 10-20 किलोमीटर से देखने के लिए आते थे कि जो वहां एक नज़ारा बनता था, जब बेगूसराय के रिफाइनरी से लेकर के बाजार तक का पानी जब गंगा में आने के लिए अग्रसित होता था, वहां जो एक झरने का स्वरूप बनता था उसको देखने के लिए सिर्फ अब वो स्मरण की बातें रह गई। मैं संपूर्ण रूप से आपको सुलिस का सच भी दिखाऊंगा। जो मैं सुलिस के सच की बात कर रहा हूँ, सुलिस का सच दिखाने का मूल तात्पर्य यह है कि नगर पंचायत, बलिया नगर पंचायत से जो जल जमाव की समस्या की बात हुई है, ये सारे के सारे मामला उससे। वास्तविकता में जो जल जमाव या जल निकासी की बात, वो पूरे बेगूसराय जिले की जल निकासी की बात है। ये बलिया पूरे बेगूसराय का जल निकाल करके और फेंकने की क्षमता रखता है, लेकिन आप बलिया का जल निकासी नहीं करते। उसका मूल कारण जो है वो हम जो सिमट के रह जाते हैं कुछ लोगों के अंदर, चार धंधा करने वाले, दलाली करने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं। कारण वो है, ये दलाल लोग कार्यालय पर, प्रशासन पर सदैव अंकुश बनाए रखते हैं। जिस प्रकार से कार्यालय का स्थानांतरण होता है या हैंडओवर होता है, उसी प्रकार इन दलालों का हैंडओवर भी होता है। और जो मीटिंग बैठते हैं, एक बहुत सुंदर अखबार का कटिंग मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको, शायद देख सकते पूरा, जिससे मुझे समझ में आया कि बलिया के जल जमाव समस्या को साफ तौर पर पूरे बेगूसराय जल जमाव समस्या को दिखाया। बलिया नगर पंचायत क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर SDO ने की बैठक। अखबार वालों ने बहुत सम्मान दिया इनको, SDO साहब कहना भी मुनासिब नहीं समझा। अनुमंडला अधिकारी जो कि हमारे क्षेत्रीय जज है, लोगों की छोटी मोटी समस्या निकालना, निजात दिलाना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीश महोदय के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कारण ये है, आप देख सकते हैं इन तस्वीर में, मैं देख रहा हूँ बरसों के बाद हमारे पूर्व विधायक शमशु जोहा साहब 85 से 90
के बीच में कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए शंशु जोहा जी को इस विधानसभा के लोगों ने दर्शन नहीं पाया। उनका कार्ड एक मुखिया जी के बराबर भी नहीं रहा। आज एक कार्यपालक महोदय उनके समुदाय का आया और उनकी पहुंच तुरंत पहुंच गई कार्यालय तक। इतना मत गंध फैलाइए महाराज, इतनी दुर्व्यवस्था मत फैलाइए। माना कि आप एसडीओ साहब हैं, अनुमंडलाधिकारी हैं, पूरे अनुमंडल की जिम्मेदारी आपके पास है। किन लोगों को आप सामने बैठा रहे हैं? जिन लोगों को सामने आप बैठा रहे हैं, मैं ठोक के कहूंगा कि वो दलाल है। उन्होंने पगबेरा गर कर दिया इस बलिया का। ये बलिया ऐसा नहीं था। आप चलिए मेरे साथ, मैं पूरा का पूरा नाली निकाल के आपको दिखाता हूँ कहाँ से बलिया का जल निकल जाएगा। एक चुटकी का काम है इस बलिया का जल। लेकिन आप उनको बिठाते हैं जो कारोबारी है, धंधा भी करते हैं, और उनको बिठा करके आप जो लोग इस जल जमाव की समस्या को लेकर के, इनके दर्द को लेकर के इनके साथ रहते हैं, आप उन्हें पूछना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि उनके ऊपर आप पर्सनल दुश्मनी रखते हैं। इंसान बने आप, अधिकारी हैं, सिर्फ मुकदमे करने की बात करते हैं। महोदय, काम करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप अधिकारी बने हैं, मुकदमा करने के लिए नहीं। कितने मुकदमा करेंगे आप? आपको भी मुकदमा झेलना पड़ेगा। आप जब घर जाएंगे वहां से तारीख आपको झेलनी पड़ेगी। आप संविधान से बाहर नहीं है। मैं इस संविधान की दुहाई देकर कहना चाहता हूं कि हम यदि सच्चे नागरिक हैं तो हम भी संविधान की गरिमा में रहेंगे। लेकिन आपको भी रहना चाहिए। जिस तरह से इस बलिया को बेच रखा है आपने और सिर्फ कमाई करके जाना चाहते हैं, ये कतई ठीक नहीं है। समस्या का निराकरण करा है, जनता से बात कीजिए, इन भरुओं से मत बात कीजिए। जनता बताएगी आपको जल जमाव समस्या कहां से निकलेगी। देखिए, पूरा का पूरा सच मैं आपको दिखाया हूं कि जल जमाव समस्या कहां से निकलेगा और कहां से। बस कार्ड करने वालों की क्षमता होनी चाहिए सोचने की, समझने की और जनसेवा की। लेकिन ऐसे अधिकारी तो हो रहे नहीं। अधिकारी तो वो है, ये आपसे हमारी दुश्मनी है तो 50 रुपए का मास का जो है चढ़ान आपसे कटेगा। सैकड़ों आदमी वो बने रहे उनको छोड़ करके, तो ऐसे अधिकारी और ऐसी व्यवस्था रही तो हम जनरल करते रहे करें। आपसे ये भूतनाथ है, यह देख रहे हैं कि बाजार से निकलते नदियों का स्वरूप ले रखा है। इसी क्रम में हूँ भूतनाथ पुलिया पर, जहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है। ये सामने दिखा है दूर तक, ये जो शहर बसा हुआ दिख रहा है आपको, ये बीचों बीच चोरा मरगंग नदी के अंदर है, जिसके लिए लगभग 30 किलोमीटर के नदी के बहाव को साफ किया गया, तोड़ा गया, जल निकासी बना गया। इसके बीच में ये बलिया का एग्जिस्ट पार्ट, शहर के नीचे ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और देख करके आश्चर्यचकित हूँ। ये नदी का बहाव पुलिया है, भूतनाथ पुलिया, साफ दिखाएं। यहाँ से पानी निकलने का रास्ता दिया गया है जो कि चतियाई सुलिस तक लेकर के जाता था, जिसको आप यूँ कहें कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्ग, हमारे किसानों ने सही जगह सही रास्ता चुन करके लगभग बाजार तक के पानी निकलने के लिए एक सुगम रास्ता बनाया था जो सही टाइम पर सही जगह निकल जाए। अब मैं लेकर आया हूँ वास्तविक जगह पर। ये जगह है जो अनार देवी सेठानी हाई स्कूल से नीचे उतरते ही और चमरिया मैदान के उत्तर की दिशा का नदी है, जो कि दिख रहा है सामने नदी अपने स्वरूप में है किंतु अवरुद्ध किया हुआ वही शहर। आप यहां से देख रहे हैं कि जो जल निकासी का जो मेन रास्ता है उस जगह पर आपको बिल्डिंगें दिखाई देगी। उस बिल्डिंग को आप देखकर दंग रह जाएंगे। देखें, ये वास्तविक जगह है जो सफेद बिल्डिंग, यहाँ पर बांस का पुलिया बनाने की कोशिश कर रहा किया जा रहा है। इसके नीचे से जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे से पानी निकल करके रोड के दूसरे साइड जाता है। ये पूरा का पूरा जल यदि आप यहाँ से लेकर बेगूसराय तक कैलकुलेट करेंगे तो क्यूसेक में आएगा, और ये पूरे के पूरे पानियों को निकल करके गंगा नदी तक पहुंचना है। लेकिन मजाल है कि बलिया वाले पहुंचने दें, और इस पहुंचने नहीं देने में बलिया के प्रशासनिक अफसरों का पूरा पूरा योगदान है। पहले भी
यहाँ से सामने आपको दिख रहा है जो बिल्डिंगें दिख रही है उसके सामने पुलिया है जो तीर्थ रोड पे पानी को क्रॉस करने में मदद करता था। अब वो रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। एहसान कि थोड़ा सा उस रास्ते से पानी निकल सकता है। वर्तमान में देख रहे जो तस्वीर, ये आपको जो तस्वीर, ऐसी तस्वीर अब गांव की हालात हो गई है जहां खेतों तक ये पानी फैलने लगा है। कारण कि जो जल निकलने का रास्ता है, जो मार्ग है, उसे अवरुद्ध कर दिया गया है। ये कार्यपालक महोदय या यहाँ के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। इन जल में उस जल को मिलाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं वो गंदे पानी।